दोस्तों आज मैं बताऊंगा सिलाई मशीन का जो टेंशन होता है इसका कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए जैसे टेंशन है और जैसे इसमें धागा चलाते हैं तो धागा अच्छा नहीं चलता, तो आप जो है ना उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ से टेंशन का ये नट खोल देंगे, ये देखें ठीक है, और ये एक साइड में ऐसे ही रख देंगे और उसके बाद इसका स्प्रिंग निकालेंगे, ठीक है। और ये देखो, ये देखो इसमें कितनी धूल मिट्टी, और ये देखो ये जो धागा वागा होता है इसमें फंस जाता है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको एक साइड में रख देंगे और ये देखें ये बिल्कुल इसमें कितना कचरा जमा हुआ है, इसको अच्छे से साफ करना है, ये देखें। ठीक है दोस्तों, तो इसको साफ करने के लिए दोस्तों मैं एक ट्रिक और बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखें दो पैंच लगे होते हैं, तो एक पैंच होता है ये पहले वाला, इसको छोड़ देंगे और ये दूसरे वाला जो पैंच होता है लास्ट वाला इसको लूज कर लेंगे, ठीक है। और ये देखें ये जो हमारी टेंशन की किल्ली होती है, नट होता है, ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, ये देखें। ठीक है दोस्तों, और ये देखें इसमें कितना कचरा जमा हुआ है, इसको अच्छे से साफ कर लेंगे कपड़े से। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से कपड़े से इसके अंदर से सारा कचरा साफ कर लेंगे, ये देखें ये, ताकि इसमें कोई भी धूल मिट्टी कचरा ना रहे, इसको बिल्कुल अच्छे से साफ करना है, ये देखें। और इसके अंदर बिल्कुल कपड़ा लगा के इसको साफ कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखें ये जैसे जैसे अंदर से साफ हो जाएगा, ये काला से लिकन नहीं बंद हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये देखें जो ये किल्ली होती है इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, इसमें ऐसे कपड़ा घुमाएंगे और इसको अच्छे से, ये देखें ये साफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे साफ हो जाए तो देखें इसमें बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका है, ये देखें। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे ही यहाँ पर, ये देखो सबसे पहले किल्ली होती है इसको ऐसे यहाँ पर बिल्कुल बीच में रखना है इसको ऐसे, और इसको अंदर ऐसे पहुँचा देंगे, ठीक है। पहुँचाने के बाद दोस्तों ये देखें जो मैंने पैंच खोला था, इसको पैंच को टाइट कर देंगे और इतना टाइट करना है, इसको हिला के देखेंगे ऐसे, ये देखें, और इसको किल्ली को हिला के देखेंगे, बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये देखें अगर इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है तो पहले इसके स्प्रिंग को लगा देंगे ऐसे ही, ये देखें। वैसे स्प्रिंग ख़राब है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको रहने देंगे, ये टूटा हुआ स्प्रिंग है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद क्या करेंगे, थाली जो होती है इनको अच्छे से साफ कर लेंगे, ये देखो ये बिल्कुल इसमें कहीं भी जंग ना लगा हुआ हो और बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ठीक है। एक थाली ऐसे लगाएंगे, ये देखो ठीक है, बिल्कुल सीधी करके, और इसके ऊपर दूसरी थाली इसको ऐसे ही साफ करेंगे अच्छे से, ये देखें ठीक है। और इन दोनों को ये देखो मैं दिखा देता हूँ, इनको ऐसे लगाना है दोस्तों, ऐसे नहीं लगाना, इनको ऐसे लगाना है, एक को आगे एक को पीछे, ठीक है। और इसको ऐसे इसमें टाइट कर देंगे, ये देखें ठीक है। और उसके बाद लगाएंगे दोस्तों, ये देखें इसके बाद ये होती है इसकी, ये प्लेट होती है रोकने वाली, ये मुड़े वाइस होता है थोड़ा सा, इसको ऐसे बीच में करके इसमें, ये देखें ये इसमें ऐसे फंस जाएगा, और इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद लगाएंगे इसका स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग को ऐसे लगा के इसमें जो कट वाला हिस्सा होता है ये, ठीक है, ये जो कट वाला हिस्सा होता है ये बीच पीस के तार के बीच में डालेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसको नट को टाइट कर देंगे, और अगर आप जो है ना ऐसे टेंशन को रिपेयर करेंगे तो आप देखना आपका टेंशन बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा और इसमें कोई भी कमी नहीं होगी, ये देखें ठीक है दोस्तों। और इसमें धागा बिल्कुल अच्छे से चलेगा, मलाई सा, इसमें कोई भी आप जो है ना, ना तो अंदर कचरा है और ना इसमें धूल मिट्टी है, तो ये अच्छे से साफ होकर वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका टेंशन जो है ना वर्क नहीं कर रहा है और धागा वो इसमें फंस के निकलता है, जो मैंने आपको क्या नाम टेंशन साफ करने का तरीका बताया, तो इससे जो है ना आप अपने टेंशन को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों।